बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी फेवरेट बेस्ट 3 चटनियाँ बनाने लगी हूँ, तो आए आप भी हमारे साथ मिलके बनाते हैं। ये 3 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है मैंने, नमक हसबे ज़ायका, और ये कोकोनट था, हाफ कोकोनट को श्रेड कर लिया। 1 अदद प्याज लगेगा मीडियम साइज़ का, 4 अदद मिर्चें, ये मस्टर्ड सीड्स हैं, और साथ में कड़ी पत्ते 3-4, और ये लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, ये तड़के के लिए यूज़ करेंगे। अब हम ग्राइंडर में खोपरा डाल देंगे, साथ ही प्याज के 4 हिस्से करके वो डाल देंगे। साथ ही हरी मिर्चें, और साथ ही अदरक के 2 हिस्से करके वो डाल देंगे। और पानी, हमें इसका पतला पेस्ट नहीं बनाना है। अब इस सब को हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद ये देखें, इसकी कुछ ऐसी शक्ल निकल आई है, ठीक है। अब इसकी हम तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, और ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च, लाल सूखी मिर्च डाल देंगे तड़के के लिए। जब इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आने शुरू हो जाएगी, हमारा तड़का तैयार हो जाएगा, तब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने चटनी बनाई हुई थी खोपड़े की, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल तड़का तैयार हो गया। अब इसमें हम जो कोकोनट का पेस्ट बनाया हुआ था हमने चटनी, वो इसमें डाल देंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त होती है। बहुत से तरीक़ों से बनती है, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और नमक हसबे ज़ायका, चलें अब पुदीने की चटनी बनाते हैं। इसमें चाहिए तकरीबन 4 चम्मच दही, 4 जोए लहसुन के, 4 से 5 हरी मिर्चें, जैसे आपको पसंद हो, जितना तीखा पसंद हो, और पुदीना है ये, और धनिया आधी आधी गड्डी। चलें शुरू करते हैं, इनको ब्लेंड करते हैं। अच्छा, हम चटनी में पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ब्लेंड दही से करेंगे। 1 चम्मच दही डालेंगे, अब हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे, और लहसुन, जो 4 अदर लहसुन के जोए थे वो भी इसमें डाल देंगे। धनिया, पुदीना, दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। चटनी हमारी ब्लेंड हो गई थी, तो मैंने दही में मिक्स कर ली है। ये देखें, ना ज़्यादा पतली है ना घनी है, हमारी हरी चटनी तैयार है। आए अब टमाटर की चटनी बनाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट। ये 1 अदद टमाटर लगेगा, 4 मिर्चें, धनिया, पुदीना और लहसुन। लहसुन लाजम डालिएगा बीच में, उससे टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इन सब को हम इसमें डाल के ब्लेंड करेंगे। पानी हल्का सा बीच में ऐड करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि पानी कम ही ऐड हो, और हमने इसको बारीक नहीं करना है। जितना ये मोटी मोटी रहेगी, उतनी
अच्छी लगेगी, बिल्कुल गांव का वो मकई की रोटी के साथ टमाटर की चटनी वाला टेस्ट देगी। बारीक हो जाएगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो बारीक मत कीजिएगा। चलें इसको ब्लेंड करते हैं। ये देखिए हमारी टमाटर की चटनी तैयार हो गई। चलें जी हम तो चखने चले हैं, आए आप भी हमारे साथ। बिस्मिल्लाह कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।